बहरहाल हम छिंदवाड़ा में हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, चुनाव के लिहाज से भी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और चुनावों से इतर भी योजनाएं कितनी सफल है, लोग कितने खुश हैं, इन सब चीज़ों पर भी हम बात कर रहे हैं लोगों से। हमको तो मांगने खाने वाले हैं, मांगने खाने वाले देओ ना। परिवार नहीं है? नहीं है। सरकार की तरफ से कोई योजना का लाभ क्या मिलता? 5 किलो दाना मिलता है। वृद्धा पेंशन 500-600 मिलता है? मिलता है, बस इतना ही मिलता है, कुछ नहीं मिलता। घर द्वार कुछ नहीं। आवास योजना, शौचालय कुछ नहीं है बेटा, ऐसे मांगते खाते हैं हम, ऐसे ही मांग के खा रहे। घर परिवार कुछ नहीं है? बता 600 तो मिला। रहते कहाँ? रहते कहाँ? वो उधर रहते हैं, धर्म टेकड़ी तरफ। धर्म टेकड़ी यहाँ बहुत दूर है। आजकल नेता लोग की चलती, हमारी कौन चलती? वोट लेने जाएंगे माता जी, भैया जी, भाई जी कहने को, और काम सारा खत्म कैसा? 5 साल चाहे तुम भीख मांगो, चाहे कहीं रहो कहीं सो, उससे क्या लेना देना? आप बताइए, 5 किलो दाना हम लोग एक एक दाना खाएंगे 1 महीना, और 600 रुपया कपड़ा लत्ता कहाँ के लाएंगे? साबुन सोडा कहाँ के लाएंगे? 1 महीना में 5 किलो हो जाता है क्या? जब तो भीख मांग रहा है खा रहा है, आप ही समझो कि 5 किलो में क्या होता है। आप बताइएगा इनको 5 किलो में क्या होता है, आप ही बताइए। मेरे पास जवाब नहीं है। हम जनता को बोल दिए, नेताजी को बोल दिए, वही बताएंगे। क्यों नहीं है जवाब? आप वोट वाले हैं ना, आप वोट वाले जवाब दो ना। हम लोगों सियाने हो गए, हम लोग, हमको कौन देगा खाने को? हम भी यही जवाब ढूंढने निकले हैं अम्मा। हाँ, हम खुद लाचार हैं, हम यही जवाब ढूंढने निकले हैं। हमको कौन देगा खाने को? आज बीमार हो जाएंगे तो गोली गोली के तरह तरह के घूमते, तो कोई गोली अस्पताल में जाते तो वह गोली नहीं है, तो वह गोली नहीं है तो पड़े ऐसे ही, कहाँ पैसा लाएंगे? हमारी उम्र थोड़ी अब कमाने की, इसलिए हम भीख मांगने लगे, भैया 2 रुपये दे दे, भैया 1 रुपये दे दे, भैया 5 रुपये दे दे, चाय पी लेंगे, नाश्ता खा लेंगे, क्या कहेंगे? सियानपन में यही तो हो ना, अगर 1 रोटी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, 1 कप चाय मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। सियानपन वृद्धा है, कहाँ जाएंगे हम लोग? अब वोट दीजिएगा इस बार, किसको देंगे? नकुलनाथ के, बीजेपी के, सबको दे देंगे, हमें क्या वोट कहीं भी देना है हमको तो, मगर हमारी व्यवस्था भी तो हो ना, बताओ। वोट तो दे देंगे हम तो, और देते आ रहे 50 साल से, आज से नहीं दे रहे, 50 साल से दे रहा छिंदवाड़े जिला में, कोई व्यवस्था नहीं हमारी, हम लोग गरीब है, एहरवार है, हम जात के, हमको छूत मानते हैं, जातिवाद भी होता है। हाँ, छूत मानते हैं हम लोगों को, मेरे पास जवाब नहीं है, आप जवाब ढूंढिएगा। माहौल तो इस बार मुझे तो बीजेपी का ही लग रहा है, क्योंकि क्या है कि राज्य में तो पूरा सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का, मेरा मानना ये, तो यहाँ पर विकास तभी होगा जब डबल इंजन सरकार रहेगी, सीधी सी बात है, और मोदी के आने के फुल चांसेस। अच्छा, मतलब कि यहाँ के लोगों के मन में ये भी है कि छिंदवाड़ा में भी बीजेपी रहे, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी है ना? नहीं कि रहे वाली बात नहीं, बात ये है कि विकास मुद्दा है, विकास का, यहाँ का विकास अभी तक जो होना था हुआ, अब कैसे होगा? खाली नकुलनाथ अभी तक मतलब हुआ है ना? हाँ, ये नहीं बोला कि नहीं हुआ, हाँ हुआ, पर अब कैसे होगा? और चांसेस तो है, अब और क्या चाहिए बताए ना? रोड मिल गया, हाँ, पानी मिल गया, हाँ, बिजली मिल गया, हाँ, कानून व्यवस्था बढ़िया हो गया, हाँ, स्कूल बन गया, हाँ, अस्पताल बन गया, हाँ, और क्या? रोजगार कहाँ है? 200 रुपये कमा ली तो इंदौर और भोपाल जा रहा है इंसान, मेरे हिसाब से तो मैं तो ये मानूँ, अभी लड़के ITI कर रहे हैं तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं मिल रहा रोजगार। जो लोग गिना रहे हैं ना कि हिंदुस्तान लीवर आ गया, ये आ गया, वो आ गया, सब बाहर के हैं, वहाँ भरे हुए छिंदवाड़ा के, यहाँ जो रह रहा छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा में एक मुद्दा रोजगार का है। यहाँ के लोगों को लग रहा है कि अगर छिंदवाड़ा से इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया जाए तो क्या पता
छिंदवाड़ा में भी फैक्ट्रियां खुल जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए ना, कुछ नया हो। थोड़ी सी कठिनाई जरूर है मगर नकुल नाथ जी यहाँ से प्रचंड बहुमतों से विजय होंगे। कठिनाई है? हाँ थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है। जैसे जो लोग जा रहे हैं, कठिनाई मतलब कैसे, जो लोग कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं उससे कुछ हद तक के थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, मगर नकुल नाथ जी अच्छे वोटों से जीतेंगे यहाँ से। कमलनाथ के बेटे हैं इसीलिए? जी। नहीं, कमलनाथ के बेटे हैं इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ का विकास बोलता है ना जी, यहाँ करे हैं इस वजह से जीतेंगे। तो विकास के बात पे ना एक चीज हमको ध्यान में आ रहा है, क्या नाम है आपका पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम शमीर कुरैशी है। तो शमीर साहब, विकास के नाम पे एक चीज समझ में आ रहा है मुझे, क्या कि विकास का शामियाना जो है ना उस शहर में तो बढ़िया लगता है, लेकिन उस शामियाना के पीछे जो बांस बल्ली लगा हुआ रहता है, रस्सी से खींचा हुआ रहता है टेंट, वैसे लगता है ना, ये गाँव का जो तस्वीर, गाँव की जो तस्वीर होती है वही बांस बल्ली वाली हो जाती है। आपका अमरवाड़ा हो जाए, वो आदिवासी बेल्ट हो जाए, वहाँ तो विकास तो फिर ऐसा ही ना बैठा हुआ मिलता है। नहीं नहीं, हम नहीं मानते कि अमरवाड़ा जितने ग्रामीण इलाके शहर से अच्छा विकास तो हम मेरे हिसाब से ग्रामीणों में हुआ है। नहीं, हम लोग देख के आए तो थोड़ा हम लोग को लग रहा था कि आदिवासी लोग अभी भी वही लग रहा है कि पुराना एकदम आदि मानव वाले दौर में जी रहे हैं। नहीं, आप कुछ अंदर चले गए शहर में, जो अमरवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाइए, वहाँ से लगे ग्रामीण गांव में जाइए, शहर में तो अच्छा लगता ही है शामियाना, वही हम बोल रहे थे, शहर तो बढ़िया लगता ही है। क्या नाम है आपका? राजू पाल। हाँ। चुनाव है? हाँ। कहाँ? छिंदवाड़े में। और क्या, पूरे पूरे हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान में, लेकिन आगाज कहाँ से हो रहा है? छिंदवाड़े से। तो राजू जी हमको बताइए माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया है। किसके तरफ है? बीजेपी की तरफ है। बीजेपी की तरफ है? बीजेपी की तरफ है। अरे कमलनाथ नकुलनाथ का गढ़ ना है जी छिंदवाड़ा? है तो क्या हुआ, गढ़ था, अब नहीं है। अब नहीं है। तो मतलब किधर जाएगा छिंदवाड़ा तब? छिंदवाड़ा बीजेपी में जाएगा। राजू जी बीजेपी में जाएंगे कि पूरा छिंदवाड़ा? हम तो बीजेपी में ही जाएंगे। ये बोल दिए उधर जा रहे हैं आप तो उठ के ही चले गए। छिंदवाड़ा किधर? भाजपा इस बार बिल्कुल, अब गढ़ वर सब खत्म, गढ़ वड़ हो, कोई किला नहीं चलेगा, सब ढहा गया, गढ़ सब ढहा गया। उनकी झूठी घोषणाएं और जनता को जो लालच दिए थे सब क्या हो गई, एक लालच और एक झूठा घोषणा का नाम मुख्यमंत्री का, मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, सब जनता ने दे दी मुख्यमंत्री अपने यहाँ का बन रहा तो बने थे ना जी। अरे अभी का चुनाव में। अच्छा अच्छा, आप लोग पूरा खुश थे कि छिंदवाड़ा के कमलनाथ फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अच्छा बेटा नकुलनाथ कैसा है? अरे बेटा नकुलनाथ सांसद है ना यहाँ से। अरे सांसद वो कमलनाथ के नाम पे ही चला, वो सेपरेट वो नहीं चल सकता। नहीं बस कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। भैया अंगूर कैसा है, मीठा की खट्टा? मीठा आएगा जी। मीठा है जी। राजनीति कैसा चल रहा है? राजनीति बहुत बढ़िया चल रहा। बहुत बढ़िया जी। खट्टा नहीं? नहीं, अंगूर तो मीठा है जी। आप बोल रहे हैं सियासत भी बढ़िया है, खट्टा नहीं है जी? खट्टा नहीं है जी। तो किधर नकुलनाथ जी? नहीं, बीजेपी वाले। बीजेपी वाले हैं कि बीजेपी? आप लोग चाहते हैं क्या कि आप लोग को छिंदवाड़ा में वो अलग से जगह दे दे जहाँ पर कि फल बिके, फूल बिके, कोई भगाने वाला ना आए, पैसा हाँ। थोड़ा कम ले, टैक्स थोड़ा कम ले। जगह क्यों नहीं चाहेंगे, कोई भी आदमी अपनी सुरक्षा ही चाहेगा ना। हाँ। मगर ऐसा हो नहीं रहा ना कि वो जाएंगे ऐसी जगह जो आउट एरिया में, जहाँ अपना धंधा होगा नहीं, ऐसे अपने को खुले बाजार में हो कि जहाँ धंधा अपना होना चाहिए, अच्छा आमदनी हो, छोटे छोटे बाल बच्चों को। यही सब सवाल है सियासत का। ये सब सवाल किसका है? सियासत का। ये सब सवाल पूछते रहना। नाम क्या आपका? रवि सोनी। तो रवि सोनी के सियासत का सवाल यही है कि जगह क्यों नहीं है ठेले वालों को? क्या ठेलिया वालों सबको जगह क्यों नहीं है भाई? जगह नहीं दीजिएगा तो लोग बेचेंगे कहाँ से? रवि भाई का सवाल है सियासत में और सियासत से भी कि जगह इनको दिलाइए ताकि इनका केला खराब होने से पहले बिक जाए ना भैया। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल श्रीवास। अनिल श्रीवास। हम लोग सर निकले हैं लोगों से बातचीत करने के लिए। छिंदवाड़ा आने का सबसे पहला मकसद यही था। अच्छा। कि छिंदवाड़ा का जो पहाड़ा है ना, हाँ। ये भाजपा सुलझा नहीं पा रही है, याद ही नहीं होता उसको। अच्छा। लेकिन इस बार 2024 में सोच ली है, हाँ। कि छिंदवाड़ा का पहाड़ा रट लेंगे। अच्छा। 29/29 लेके आएंगे चुनाव में। अच्छा। क्या लग रहा है, कर लेगा क्या भाजपा? आ जाएगा। आप लोग इसका मतलब मन बना लिए तभी ना? मन बना लिए और छिंदवाड़े से भी मन बना लिए कि भाजपा ही आएगा। क्यों लेके आइएगा भाजपा को? नकुलनाथ जी से मन भर गया? नहीं नहीं, नकुलनाथ जी के है अभी के हैं। हाँ। कमलनाथ जी बहुत साल हो गए, 40-45 साल हो गया उनको। हाँ। ये अभी बच्चा है ये। हाँ। ठीक है,
बच्चा संभाल नहीं पा रहा विरासत ना, नहीं संभाल पाएगा। विरासत बचा भी है कि डगमगा गया? डगमगा गया, डगमगा गया, बिल्कुल डगमगा गया। कोई रोजगार नहीं है यहाँ पर, कोई फैक्ट्रियां नहीं बनी आज तक। ये बहुत अच्छी बात है छिंदवाड़ा की। देखिए छिंदवाड़ा की जनता की प्रबुद्धता को आप समझिए। छिंदवाड़ा यूं ही, ये शहर जो है ऐसे ही किसी शख्सियत को सियासत में इतना ऊंचा लेके नहीं चला गया है। आप लोग जानते हैं, आप सीधा सांसद से ही सवाल करने की, रोजगार क्यों नहीं? ये बढ़िया बात है। क्यों नहीं है? ये बढ़िया बात। 45 साल हो गया है। हाँ, 45 साल में कमलनाथ जी बहुत बड़े बड़े पोस्ट में रहे, मतलब उद्योग मंत्री तक, उद्योग मंत्री तक रहे। हाँ, कम से कम बड़ा उद्योग डालना था यहाँ पर, डालना था, नहीं डाल पाया, नहीं डाल पाया। यहाँ पर हीरोगिरी चलता है कि नहीं चलता है? नकुलनाथ जी का, नकुलनाथ जी क्या है, नकुलनाथ जी बच्चा है, नकुलनाथ जी कुछ नहीं है। जो कमलनाथ जी है वो नकुलनाथ जी नहीं है। कमलनाथ जी लेकिन है ना? कमलनाथ जी है, वो हिला नहीं पाएगा उनको, कोई ताकत नहीं, नहीं कांग्रेस साथ छोड़ के चले जाए। क्या है, कांग्रेस तो गया सर, कांग्रेस में बचा ही क्या है? जो आदमी मतलब 70 साल से राम मंदिर नहीं ला सका कांग्रेस, वो बीजेपी ने ला के दिखा दिया। और एक ही शेर है, वो है सिर्फ मोदी। अरे बाप रे, बुलंद और नंदी बाबा हमारे अमित शाह, और श्री राम बोले तो बिल्कुल हमारे रामायण का राजनीतिकरण कर दिया एकदम, एक नंबर आप ना। तो कोई शहर जो है छिंदवाड़ा शहर, इस शहर का नाम मतलब कमलनाथ। लेकिन 1979 से लेने के बाद जी 2024 आते आते जी कमलनाथ का हालत इस हिसाब से बदल गया राजनीति के अंदर जी, कि लगता है कि पूरे के पूरे शहर में खाली वो गली बच गया है कमलनाथ जी का जहाँ पे कांग्रेस है। अब पूरा मोहल्ला ही बीजेपी की तरफ जाते जा रहा है। बिल्कुल सही बात, जनता को भी मालूम चल रहा है क्या सब बात? ये बात सही बोल रहे हैं आप। हाँ, उसमें सबसे मुख्य कारण जो है वो है नरेंद्र मोदी जी का काम जो पूरे देश में हो रहा है। इसके कारण आप पहली बार देखिए कि यहाँ छिंदवाड़ा जैसे शहर में जो कमलनाथ का बड़ा गढ़ मानते थे और लोगों की जो भावना है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। चेंज हो गई? हाँ, चेंज किस तरफ? मोदी जी के, क्योंकि उनके जो चार पांच जो ऐसे काम है जो बहुत ही सराहनीय है, जो आज तक जैसे राम मंदिर का मुद्दा जो था, राम मंदिर बन गया, 370 जो उन्होंने मैनोफेस्टो में बोले थे वो हट गई। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, यहाँ से हम नागपुर जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, फोर लाइन रोड मिल रही है, सब कुछ अच्छी व्यवस्था चल रही है। पहले यहाँ पे बिजली भी नहीं रहती थी, जब कांग्रेस का शासन काल था तो मध्य प्रदेश में बिजली भी नहीं रहती थी। वह सब हमारे जो छोटे छोटे बच्चे थे उस समय, सन 2000 के पहले की बात मतलब कर रहा हूँ, छिंदवाड़ा में भी 370 राम मंदिर जी जी सीए जी इन सब के नाम पे माहौल बना है ना, बना हुआ है, बना। कश्मीर में देखो आप, किसी की हिम्मत थी, किसी की हिम्मत थी कश्मीर में, मतलब राष्ट्र, मतलब हाँ, राष्ट्र का झंडा जो है छिंदवाड़ा भी बुलंद कर रहा है, बुलंद। अच्छा, कश्मीर में क्या था? मारा काटी, बम फेंकना, गोली मारना, और आज कुछ भी नहीं, आज कुछ भी नहीं है, शेर है मोदी है। ये ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी जो हिंदुस्तान में चुनाव होता था, चाहे इंदिरा गांधी का चुनाव हुआ हो है ना, चाहे थर्ड फ्रंट बना हो, अक्सर क्या होता है कि जो राष्ट्रीय मुद्दा होता है क्षेत्रीय मुद्दा पे हावी हो जाता है। ये तो फिर इंदिरा गांधी कैसे बनती इतने समय तक सरकार, क्या सर सही बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय मुद्दा जो है छिंदवाड़ा में है कि नहीं है? बिल्कुल है ना, हमारे क्या है क्षेत्रीय मुद्दा? हमारे हमारे क्षेत्र में जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी, 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 ये सबसे बड़ा मुद्दा सुन रहा है। इस क्षेत्र में कोई भी फैक्ट्री नहीं है कि जिससे यहाँ के युवा, ये जो यंग लड़के हैं हाँ, तो रोजगार कर सके हाँ, उनको बाहर जाना पड़ता है हाँ, और तीसरा ऑप्शन ये होता है हाँ, कि यहाँ पे जो भी अभी आप बोलते हैं भ्रष्टाचारी नहीं हो रही हाँ, भ्रष्टाचार तो सबसे बड़ा मुद्दा है छिंदवाड़ा जिले का। छिंदवाड़ा में भ्रष्टाचार है? हाँ, बहुत है भ्रष्टाचार, कौन बोलता भ्रष्टाचार नहीं, कौन लेता है पैसा, तैयार कौन लेता है, सचिवालय सब में सब तमाम सब। यहाँ छिंदवाड़ा जिले के अंदर भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, कौन बोलता भ्रष्टाचार नहीं होता यहाँ पे। तो सांसद बदलने से भ्रष्टाचार छिंदवाड़ा कैसे बदल जाए? सांसद तो बदलेगा ना, हमारा बीजेपी का सांसद आएगा तो बात होगी। अच्छा, मतलब क्षेत्रीय मुद्दा पे भी बीजेपी के पास, बीजेपी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। अच्छा, तो छिंदवाड़ा का तो मिजाज ही बदल गया है ना। मिजाज क्या बदला, जहाँ जय श्री राम वहाँ हम है, बाकी खत्म हो गई। कमलनाथ जी इसको देख के तो परेशान हो गए। कमलनाथ जी वो गए, वो अब उनको क्या आराम करने का मौका देना चाहिए कायदे से। क्या बोले भैया, बेटा तो हेलीकॉप्टर पे घूम रहा है ना। अरे घूमने चले भैया, उन्हें कहाँ से कमाए पैसा हमें नहीं मालूम। उनका भ्रष्टाचार सबसे पहले उजागर होना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। छिंदवाड़ा की जनता के पास जो है हाई वोल्टेज मटेरियल है इस बार के चुनाव में ना, हाई वोल्टेज। आपको क्या लग रहा है सर, आपको क्या लग रहा है सर? बेरोजगारी मुद्दा सुन लिए हम, भ्रष्टाचार मुद्दा, बेरोजगारी तो हर जगह हम सुन रहे हैं, सब लोग बोल नहीं, रहे नहीं।
आज का युवा पढ़ के शिक्षित हो रहा है, रोजगार की तलाश में है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, मजबूरी में वो आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड ऐसे केस कर रहा है, ये क्यों? बेरोजगारी। हाँ, आप एक सवाल छोड़ रहे हैं कि युवा वर्ग के लिए आज की सियासत क्या सोच रही है? सोचना चाहिए, कोई कुछ नहीं सोच रहा है, कोई कुछ भी नहीं सोच रहा है। सहमत हैं ये युवा वर्ग है, इनसे पूछो इनकी क्या स्थिति है। मेरा वर्ग दो का पेपर निकला है 2018 में, आज तक आज तक मुझे भर्ती नहीं मिली है वर्ग दो में। क्या नाम है आपका? राकेश खरे जी। तो गांव से बिलोंग करता हूँ, आज मैं प्राइवेट स्कूल चलाने लायक बन गया हूँ। अच्छा, अब तो अपना खुद का स्कूल प्राइवेट स्कूल चला रहा हूँ मैं, सरकार की ओर बिल्कुल सरकारी विभाग में बिल्कुल वो नहीं रखता। यहाँ पे लोग कमलनाथ जी जैसा नाम कमाया है, कमलनाथ जी का नाम चलता है। कमलनाथ जी ने 5 साल में क्या किया छिंदवाड़े के लिए? वो तो संसद थे ना, वो तो संसद थे। मतलब सवाल ये है, कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा छोड़ दिया, वो विधायक बन गए। अब उनको हमने दिल्ली पहुंचाया था, तो उन्होंने दिल्ली से छिंदवाड़ा जनता के लिए क्या किया? बस ये मेरा क्वेश्चन है उसके लिए। बस नकुलनाथ जी से पूछना है कि छिंदवाड़ा की जनता के लिए आपने क्या क्या किया 5 साल में? 5 साल में तो आगे 5 साल क्या कारण से उनको चुना जाए? अच्छा, क्योंकि जो हुआ हम कैंडिडेट चेंज करना चाहते हैं। मैं 3 साल से गाड़ी चुनाव में देते आया हूँ। 3 साल से गाड़ी आप चुनाव में दे रहे हैं? हाँ, तो 3 साल से साहब का बोलबाला कुछ मेरे को अलग दिखा। साहब? हाँ, कमलनाथ जी। नकुल साहब की कमल साहब? कमलनाथ जी। नकुलनाथ को क्या बोलते हैं यहाँ लोग? सांसद है हमारे, सांसद बोलते हैं। बड़े साहब है हमारे, छोटे साहब है, छोटे साहब। कमलनाथ बड़े साहब जी। लेकिन आपको भी लग रहा है कि टक्कर है ना? जी, इस बार का टक्कर है थोड़ा सा। तो हमने आपको छिंदवाड़ा की सड़कों पर जनता के सवालों को भी सुनाया है, और सबसे पहले उन सवालों के जवाब को टटोलने के लिए हम भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के पास गए। आपने सुना, विवेक बंटी साहू ने हमसे बहुत लंबी बातचीत की। वैसे विवेक बंटी साहू इस वक्त छिंदवाड़ा से भाजपा के प्रत्याशी हैं, सांसद बने नहीं हैं, तो ज़्यादा वक्त निकाल दिया। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो छिंदवाड़ा से निवर्तमान सांसद हैं नकुलनाथ, उनसे भी बातचीत की जाए और उनसे भी उन तमाम सवालों के जवाबों को टटोलने की कोशिश की जाए। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये कि नकुलनाथ जी साहब कमलनाथ के बेटे हैं, शिकारपुर के कमलकुंज में रहते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, तो थोड़ा कम वक्त दे पाएंगे? उन कम वक्त में जितना सवाल बन पाएगा हम पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन सवालों पर मुझे मत आंकिएगा, बल्कि जवाबों पर अपने नेता को आंकिएगा, क्योंकि वोट आपको देना है, मुझे नहीं। मुझे तो सवाल पूछने से मतलब है, और जवाब जो आपके होते हैं, नेता के होते हैं, हम सियासत में वही दिखाते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा सर ये होगा कि 2019 में संसदीय राजनीति में आप कदम रखते हैं, 2024 में एक बार फिर से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से आप प्रत्याशी हैं, छिंदवाड़ा की जनता के लिए इस बार सबसे खास मैसेज क्या होगा जो आप विस्तार न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? सर, सच्चाई का साथ दे, विकास का साथ दे, और जैसा कि मैं हर उद्बोधन में कहता हूँ, छिंदवाड़ा की जनता और हमारा पारिवारिक संबंध है, तो परिवार का साथ दे। छिंदवाड़ा में ये जो शहर है सर, इस शहर की पहचान एक शख्सियत से है, कमलनाथ जी आपके पिताजी हैं, लेकिन कमलनाथ जी जो है छिंदवाड़ा में साहब हैं, बड़े साहब हैं, प्रदेश में भी साहब हैं, सियासत में भी साहब हैं, लेकिन आप जो हैं छिंदवाड़ा में जब हम घूम रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो हमारे नकुल भैया हैं। क्या है सर इसके पीछे राज? देखिए, यहाँ मैं बचपन से आ रहा हूँ, और आज जितने भी नेता हैं ये मुझसे बचपन से जुड़े हुए हैं। आज जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, मैं तो झंडा लेके उनके साथ जब मैं बच्चा होता था तब से लगा हुआ हूँ, तो इसलिए हम सब यहाँ कोई लीडर नहीं है, हम सब भाई हैं। हम जब मुद्दों की बात कर रहे हैं सर, सड़क पर जाकर लोगों के बीच, तो लोग कहते हैं कि नहीं, विकास तो बहुत हुआ है छिंदवाड़ा में, सड़कें बनी हैं, रोज़गार भी आए हैं, लोगों की जीवन शैली जो है वो बेहतर हुई है, लेकिन फिर यही रोज़गार के जो मुद्दे हैं सर, मुझे लगता है कि इस शहर में जो शख्सियत के साथ जो लगाव है, अपेक्षाएँ भी बहुत ज़्यादा हैं,
तो लोगों को लगता है कि रोजगार में कहीं ना कहीं कमी रह गई है और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं क्या? ये सवाल थे लोगों। बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अगर आप देखें स्किल इंडिया का नारा तो अभी 4-5 साल पहले लगा था। हमारा पहला स्किल सेंटर छिंदवाड़ा में 15 साल पहले खुला था। आज हमारे पास CII ट्रेनिंग सेंटर है, JCB है, ट्रेनिंग सेंटर है, ड्राइविंग स्कूल है। ड्राइविंग स्कूल के माध्यम से कोई भी गांव का बच्चा ड्राइविंग स्कूल में निशुल्क ट्रेनिंग पा सकता है। उसको ड्राइविंग स्कूल में ही लर्नर्स लाइसेंस मिल जाता है और ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग करने के बाद तुरंत उसको 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी लग जाती है। बात करें JCB सेंटर की, कमलनाथ जी अपने भाषण में कहते हैं कि वो बेंगलोर गए थे और बेंगलोर में उसे एक छिंदवाड़ा का निवासी मिला और वो पीछे से हाथ हिला रहा था, तो साहब ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसे आपने मुझे JCB की ट्रेनिंग दी है, मैं यहाँ JCB चलाता हूँ। तो रोज़गार के अवसर तो बहुत हैं। हम हिंदुस्तान लीवर लाए छिंदवाड़ा में, रेमंड फैक्ट्री लाए, भंसाली लाए, और मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ और मैं उद्योग लाऊँ। हम बच्चों को निशुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे वो HCL जैसे कंपनीज़ में, ईजा सॉफ्ट जैसे कंपनीज़ में, TCS में रोज़गार पा रहे हैं। ये सब आपके माध्यम से हो रहा है? बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है सर कि हम जब भोपाल से यहाँ आ रहे थे तो भोपाल की जो राजनीतिक माहौल है, गलियारे हैं, वहाँ पर क्या होता है चर्चा कि छिंदवाड़ा में तो बहुत मुश्किल है कमलनाथ जी से मिलना, नकुलनाथ जी से मिलना, लेकिन तस्वीर जो हमने यहाँ देखी वो बिल्कुल उलट है। लगातार लोगों का तांता लगा हुआ है, आपने नाश्ता नहीं किया है, थके हुए हैं आप, लेकिन फिर भी सबसे पहले आप निकल कर लोगों से मिल रहे हैं। तो ये जो अफवाहें सर उड़ती हैं और एक एक तरीके से एक एलीट वाला जो आप लोगों के ऊपर लगाया जाता है कि ये तो एलीट वर्ग के लोग हैं, ये कहाँ जनप्रतिनिधि हैं, क्या संदेश होगा उनको? देखिए सुबह के टाइम भीड़ कम रहती है। हाँ नहीं, हम शाम में कल आए, हमने देखा है वो, हमने देखा उस भीड़ को सर। तो यहाँ किसी को रोका नहीं जाता, यहाँ मैं गार्डन में खड़ा रहता हूँ, जो आता है मैं सबसे मिलता हूँ, सबसे। और इतने लोग आते हैं आवेदन लेकर, आपने देखा, सबके आवेदन लेता हूँ। तो ये जो अफवाहें फैलाई जाती है ये मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है। एक और सवाल होगा सर, छिंदवाड़ा लोकसभा को भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में जो है एक रणभूमि के तौर पर तैयार कर रही है, खुद साहब कमलनाथ जी ने भी इसको ट्वीट किया था। और छिंदवाड़ा में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, हमने उनसे बातचीत भी की है, उनको लेकर भी बहुत विवाद है कि वो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनके सहारे जो है एक एक गलत तरीके की राजनीति जो है, ये कांग्रेस की तरफ से आरोप लगते हैं कि एक नकारात्मक राजनीति करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी विवेक बंटी साहू के प्रत्याशी के उम्मीदवारी के तौर पर। आप इस बार की छिंदवाड़ा में जो ये जो दो उम्मीदवारों के बीच की लड़ाई है, जो आप प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, तो नकुल भैया इस लड़ाई को कैसे देख रहे हैं सर? देखिए जैसा कि मैं कहता हूँ कि हर चुनाव एक संघर्ष है और इस चुनाव को भी संघर्ष की तरह हम लड़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि छिंदवाड़ा की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर दोबारा बरसाएगी। BJP का रथ यहाँ आकर रुकने वाला है फिर से, क्योंकि 29/29 वो तो कह रहे हैं कि हम लेकर आ जाएंगे, लेकिन लग रहा है कि इस बार छिंदवाड़ा फिर से गढ़ को बचाएगा और कांग्रेस को यहाँ से जिताएगा, ये आश्वस्त है सर? बिल्कुल आप बिल्कुल, मैं आशा करता हूँ ऐसे हो। ठीक, बहुत शुभकामनाएं हमारे भी आपको हैं सर कि आप विजय होकर निकले और जनता आपको उतना ही प्यार दे, उतना ही सम्मान दे जितना आप तो आपको देती आ रही है। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। सियासत में जनता के सवाल, फिर उन सवालों पर नेताओं के जवाब और इन सब के बीच एक पत्रकार। अगर आपको इन तीनों के संदर्भों को समझना हो तो शकील बदायूनी का एक बहुत खूबसूरत सा शेर है कि कांटों से गुजर जाता हूं अपने दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। यहीं पर छिंदवाड़ा से मुझे यानी भारत सूरज और मेरे सहयोगी राजाराम को दीजिए इजाजत। अगले शहर में कुछ और सियासत के सवालों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।